केशु कितनी बार कहा नाखून काटते वक्त डिस्टर्ब मत करो। केशु क्या है? मेरे गुलाब के पौधे को पानी डालो ना। अरे वो काम मेरा नहीं है, जाओ। मुझे मरते वक्त भी गंगा जल नहीं पिलाओगे, यही कहोगे कि ये मेरा काम नहीं है? नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं तुम्हें लोटा भर भर के गंगा जल पिलाऊंगा। बेरहम। हाय प्रेमा जी। कहाँ है प्रेमा जी? क्यों, प्रेमा जी का नाम सुनते ही दौड़ के चले आए? और जब मैंने कहा कि पौधों को पानी डालो तो कहते हो ये मेरा काम नहीं है। अच्छा ठीक है लाओ, मैं पानी डालता हूँ, लाओ। कोई जरूरत नहीं, अब तुम अंदर जाओ, क्योंकि दिलरुबा जी मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए आते ही होंगे। लो आ गए। हाय कोकी। हाय दिलरुबा जी। ये दिलरुबा का बच्चा तुम्हें हाय ऐसे कह रहा है जैसे तुम उसकी पिछले जन्म की बीवी हो? और तुम प्रेमा जी से इस तरह हाय करते हो जैसे वो तुम्हारी इस जन्म की बीवी है? कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें हमारी बालकनी में खड़े होकर पराई औरतों से नजरें मिलाते हो? इसमें शर्म की कौन सी बात है, कोकी जी का और मेरा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। सीधी तरह अंदर चलो, वरना हमारा इस जन्म का साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये जन्म इतना छोटा हो जाएगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। देव अंदर जाओ। Shall I tell you something? What? You are a big capital J. You are jealous of our relationship which is blossoming like a cute little small little flower in the valley of love. दिलरुबा जी। Jealous? And me jealous? Hi Prema ji. बाय प्रेमा जी। टियो कम हियर। कैन कम हियर। कैन खबरदार जो आइंदा बालकनी में खड़े होकर कोकी जी को इशारे किए तो। इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? तुम मेरे पति हो। ये तो वाकई बुरा है। मैं बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूँ। बुरी बात ये है कि तुम खुद ऐसा समझती हो, बस लोग तुम्हें मेरे पति के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बुरा है। Well, take it seriously, okay? And you take it lightly. No. Take it easily. No. Then don't take it. Shut up. तुम सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ, तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। अच्छा, मेरा नाम तो कुछ है ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? You don't know my name? No. You want to know my full name? Yes. दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना। लेकिन कोई भी तुम्हें इस नाम से नहीं जानता। I'm very sorry to say, लोग तुम्हें सिर्फ प्रेमा शालिनी के हस्बैंड के नाम से जानते हैं। मैडम जरा एक बार मेरा नाम जरा मैगजीन्स में छपने दो, पेपरों में आने दो, टीवी पे स्प्लैश होने दो, फिर देख लेना। क्या देख लेना? अरे लोग कहेंगे वो देखो श्रीमान दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना की श्रीमती जी जा रही है। How you mean people? Yeah, I mean no, that. No, no. I mean it. No. It will happen. It cannot. I will prove it. Mummy, daddy, आप लोग झगड़ा मत करो। मेरे मन में बुरा असर पड़ता है। क्या मतलब? अरे टीवी के एक प्रोग्राम में बताया था कि मम्मी और डैडी के झगड़े से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और आजकल मेरी टीचर मुझे लास्ट बेंच पर बैठाती है। सुना तुमने केशु? लेकिन झगड़ा तुमने शुरू किया था कोके। लेकिन झगड़े की जड़ तुम हो। झगड़े की जड़ मुझ में नहीं, उस पौधे में है, गुलाब के पौधे में। पिछले 6 महीने से उस गमले को हम पानी डाल रहे हैं और उगा क्या तो एक सूखा सड़ेला गुलाब। अभी जाके उस गमले को नीचे फेंकता हूँ। मम्मी क्या हुआ? मम्मी डैडी ने गुलाब का गमला फेंक दिया। तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि दिलबुरा अंकल नीचे से जा रहे थे। प्रेमा जी ये क्या हो गया प्रेमा जी? डॉक्टर ये क्या हो गया? कितने अच्छे आदमी थे दिलबुरा जी, भगवान तूने ऐसे आदमी को क्यों ऊपर बुला लिया? कितने अच्छे आदमी थे प्रेमा जी। थे नहीं है। ये बच गया? प्रेमा जी आप फिक्र नहीं करें, आपके पति ठीक हो जाएंगे 1-2 साल में। एक दो साल में ठीक हो जाएंगे? सो गुड। 1-2 साल में? शुक्र करो गुलाब का गमला गिरा था, अगर नारियल का पेड़ होता। ओ नो डॉक्टर, इनके दिमाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? लगता तो नहीं,
पर पहले से ज्यादा अकलमंद होने का डर है। पहले से ज्यादा अकलमंद? नो रेवा जी, पर हमारी कोशिश जारी है वैसे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो दिल? दिल? यस। दिल कौन है? मेरा दिल, तुम्हारे डॉल का दिल, माय दिल। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं बहन जी। बहन जी? Oh my goodness! No, dear. I'm your wife. तुम्हारी बीवी, शादी, you know? शादी? बीवी की वाइफ? मेरी अब तक शादी नहीं हुई। मेरी तो अभी कहीं बात चल रही है। ओके कुजी। प्रेमा जी। डॉक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक मिनट। जरा दवा निकालिए। हाँ, होगी। इनकी याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? के कुजी, कुछ कीजिए ना। एक मिनट प्रेमा जी, एक मिनट। दिलरुबा जी जरा देखिए, मेरी तरफ देखिए और बताइए मैं कौन हूँ। मंगरू तो यहाँ पर क्या कर रहा है? बगीचे में पानी कौन देगा जाकर तेरा बाप? ये मंगरू कौन है? मंगरू हमारे बंगले का नौकर है, भूल गया क्या? तेरा बाप डंगरू भी हमारे यहाँ नौकर था। अरे जाकर अपना काम कर। अच्छा मालिक, अच्छा। और सुन, हाजी मालिक, गौरी मैम साहब कहाँ हैं? गौरी मैम साहब कौन मालिक? तेरी होने वाली मालकिन, बिरजू पहलवान की बेटी। समझ गया। अरे वो गौरी मैम साहब। क्या पूछी? आप भी? सॉरी प्रेमा जी, मुझे लगता है मेरे दिमाग पर, इनके दिमाग पर गहरा असर हो चुका है। कुछ कीजिए ना प्लीज। आई हैव गॉट ब्रिलियंट आइडिया। हम क्या करते हैं प्रेमा जी, इतना बड़ा गमला लेकर इनके सर पर पटक देते हैं। वो सदमा जो है प्रेमा जी, सदमा रिवर्स हो जाएगा। प्लीज पेशेंट को सख्त आराम की जरूरत है। हाँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। कोकी, सुना तुमने? क्या? वो प्रेमा शालिनी का पति है ना, दिलरुबा, उसकी याददाश्त खो गई है। अरे उनकी तो याददाश्त पहले से ही कमजोर थी, पता है कई बार अपना घर समझकर उन्होंने हमारे घर की बिल बजाई है। अरे सुना है, अपनी बीवी को भी नहीं पहचानता। आजकल अपनी बीवी को कौन पहचानता है गंगा मौसी? सच कहा तुमने, इस मामले में तो सभी मर्दों की याददाश्त एक जैसी होती है। फिर तुम जा रही हो उन्हें देखने? तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जाऊंगी लेकिन शाम को, केशु के दफ्तर से लौटने के बाद। नो पेपर्स? इस ऑफिस में मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। ला 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 ला, हाँ है, काम मिल गया। काम मत, गोखले, डोंट डिस्टर्ब मी। इस हफ्ते में पहली बार काम करने का मूड आया। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। क्या? देखो तो शाम के अखबार में क्या खबर आई है। क्या? मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा जी के पति दिलरुबा को पिछले जन्म की याद आ रही है। अरे कोई फिल्म में देख के आया होगा। अरे नहीं नहीं, आगे देखो। हाँ। लिखते हैं कि सर पर किसी अज्ञात वस्तु का आघात होने के कारण उन्हें पिछले जन्म की कुछ कुछ बातें याद आ रही है, और वो कहते हैं कि वो किसी करोड़पति बाप के इकलौते बेटे हैं। गोखले, गमले का इस्तेमाल ऐसे भी होता है क्या? क्या? हाँ भाई, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं करोड़पति बाप का इकलौता बेटा हूँ। तो फिर बताओ ना, तुम्हारा एक करोड़पति बाप रहता कहाँ है? देव यहाँ वर्सोवा में हमारा एक अपना बंगला था। बंगला? यू मीन बंगलो? हाँ। तो फिर जल्दी उसका नाम बताओ ना दिल। तुम्हें नहीं मालूम मेरे प्रोड्यूसर्स को शूटिंग के लिए बंगला हायर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो याद नहीं आ रहा कुछ। सागर नारे? सागर किनारे? वही। कहाँ, तुम्हें बहुत बार शूटिंग कर चुकी हूँ। उसका मालिक तो एक बहुत ही मोटा बुड्ढा खड़ूस किस्म का आदमी है। देखो मेरे बाप के लिए जरा तभी से बात करो। हाँ बाप? यू मीन छोटूमल मोटूमल करोड़पति तुम्हारा बाप है? मेरे बाप को बाप मत कहो, वो मेरे पिताजी हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। माँ 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 मी मी नहीं मम्मी, माँ। यू मीन मैं उस मोटे बुड्ढे खड़ूस की वाइफ हूँ? तेरी माँ थी? नो। माँ थी? तुम क्यों नहीं मानती? No. तुमने पिछले जन्म में भी मुझे परेशान किया था। तभी तुम मुझे इस जन्म में परेशान कर रहे हो। प्रेमा जी, प्रेमा जी, दिलरुबा जी के बारे में मैंने अखबार में जो पढ़ा वो तो कुछ भी नहीं है केकू जी। दिल कहता है वो छोटूमल मोटूमल करोड़पति बिजनेसमैन उसका बाप है। उसका बाप है? हाँ, लेकिन ये तो अखबार में पढ़ा है मैंने।
माँ के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा ना? अरे माँ के बारे में इसलिए नहीं छपा क्योंकि उसकी माँ होगी कोई छोटी सी मोटी सी भोंडी सी। ये वर्ड मत यूज करो। क्यों? छोटी मोटी भोंडी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बदनसीब माँ मैं हूँ। नहीं नहीं प्रेमा जी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? केशव जी कानों से उंगली निकाल दीजिए, अब तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा क्योंकि ये इडियट आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा। बाहर जाके ये पता नहीं क्या क्या कहेगा मेरे बारे प्रेमा में। प्रेमा जी, प्रेमा जी, आई डोंट बिलीव इट। कोकी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप। अब दिलरुबा की तबीयत कैसी है? सर जरूरत से ज्यादा ही वापस आ गई है। क्या मतलब? कोकी जी, इट विल बी अ बेटर आइडिया अगर आप उस इडियट से ना मिले तो। मंगरो तो फिर बीच में आ गया, जाके बगीचे में पानी कौन डालेगा? तेरा बाप। Now you see the tell me, ये गौरी कौन है? कितने बार तो बता चुका हूँ। क्या? वो पिछले जन्म में मेरी मंगेतर बनी थी जो इस जन्म में कोकी जी बनी है। मुझे उनके पास जाने दो माँ। बिल्कुल करेक्ट, तो पिछले जन्म में भी मुझे इसी तरह मारती थी। होश में आ जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी जो तुम अगले 20 जन्म तक याद रखोगे। मैं होश नहीं हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँ। गौरी मैं आ रहा हूँ। गौरी देव मम्मी, मुझे उनके पास जाने से मत रोकना, कम से कम इस जन्म में तो मत रोकना माँ। Oh my goodness, at this stage of my career, माँ देव। क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाते वक्त जरा दिलरुबा जी का हाल पूछ लेना। कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, आज बाजार से आते वक्त इतना बड़ा गमला लेकर आना। क्यों? अरे पिछली बार मिस्टेक हो गई थी ना, छोटा गमला फेंका था, इस बार बड़ा गमला फेंकना चाहता हूँ। बड़े बेरहम हो तुम। हाँ तो बेशर्म आदमी के साथ बेरहमी ही दिखानी चाहिए। ओ शंकर महादेव, ये गौरी नहीं है, ये मेरी बीवी है कोकी। मंगरू? मंगरू? ये मंगरू तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर बगीचे में पानी कौन देगा? तेरा बाप। मंगरू देख बे दिलरुबा के बच्चे, तेरा ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक ना उड़ा मंगरू, भगवान के लिए मजाक ना उड़ा। गौरी तुम कहाँ हो, कैसी हो गौरी? क्या कर रहा है? चुप रहो ना केशु, मुझे पूरी तरह से सुनने तो दो। हाँ दिलरुबा जी बताइए, ये गौरी कौन थी? गौरी गौरी बिरजू पहलवान की इकलौती बेटी थी। हाँ, मेरी कोकी पहलवान की बेटी जरूर लगती है। केशव चुप। हाँ, लेकिन वो आपकी कौन लगती थी? मेरे, मेरे वो दिल का टुकड़ा थी। इतना बड़ा टुकड़ा तो दिल कितना बड़ा होगा, बैलगाड़ी में रख के घूमते थे दिल को। हाँ, आगे हम दोनों में मोहब्बत थी। अच्छा? वो 16 की कम सिंह जवानी, मैं 17 का कटीला नौजवान। यानी पिछले जन्म में भी तू टपोरी था। चुप। फिर क्या हुआ? लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मंगरू ने, इसने, केशु ने क्या किया? इसने जाके मेरे बाप से शिकायत कर दी। ये बोला, मालिक मालिक आपको मालूम है कि आपका जो गोपी है ना, गोपी है? गोपी? हाँ, गोपी कौन? गोपी मैं। अच्छा। पिछले जन्म में मेरा नाम गोपी था ना। हाँ। मालिक आपको जो गोपी है ना गोपी, उसका एक गरीब लड़की से लफड़ा चल रहा है। यानी तुम्हारा बाप पिछले जन्म में भी गरीब था। चुप। अभी क्या हुआ? तो मेरे बाप ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल लिया। याद तो करो, कुछ तो याद करो तुम। गोपी मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, तुम बोलते रहो। याद आ रहा है ना? हाँ। वो तूफानी रात। हाँ। वो बादल। हाँ। वो बिजली, वो बरखा। हाँ। उसके बाद। हाँ। मैं घोड़े पे। हाँ। पृथ्वीराज चौहान की तरह यूं आया। हाँ। और तुम्हें यूं उठा के वो ले गया। वो मैं छोड़ गए और भाग यहां से, वरना मार मार के भुर्ता बना दूंगा। भाग यहां से। ये तुमने अच्छा नहीं किया मंगरू। मंगरू ए मंगरू, ए मंगरू, ए मंगरू, मंगरू चुप है। अरे मंगरू, अरे और तो और, कोकी भाभी भी तुम्हें मंगरू कह के पुकार दिए। ये दिलरुबा तो तुम्हारा भी गुरु निकला। मजाक छोड़, ये दिलरुबा के बच्चे को होश में लाने के लिए कोई आइडिया बता।
आइडिया केशव, आइडिया मिल गया। हाँ, दिलरुबा कहता है कि वो पिछले जन्म में करोड़पति बिजनेसमैन छोटूमल मोटूमल का इकलौता बेटा था। राइट। तो फिर बस हम उसे उसके बाप के पास ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया गोखले, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी गोखले, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो केशव जी। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, कैसी हैं आप? बहुत परेशान हूँ मैं, दिल अब हद से बाहर जा रहा है। अरे फिक्र मत कीजिए प्रेमा जी, दिलरुबा जी को हद के अंदर लाने के लिए मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया है। तो जल्दी बताइए ना। अरे सिंपल, हम क्या करते हैं प्रेमा जी, दिलरुबा जी को उनके पिछले जन्म के बाप के पास ले चलते हैं। क्या? What a brilliant idea! Keshav ji, aap kitne intelligent hai. I know that, Prema ji. Kaash, aapko bhi hamare pichle janam ki yaad aati. To phir main bhi aapko mangru kehkar bulati. Kyun? Kyunki pichle janam mein aap hamare naukar the na. What a lovely joke. Oh, kya hua? Excuse me. जरा इम्प्रेस हो गई। हाँ प्रेमा जी। केशव जी, अब मैं फोन रखती हूँ। नहीं 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 प्रेमा जी, थोड़ी देर और बात कीजिए ना प्लीज, ऑफिस में कोई काम नहीं है। मैं आपसे जरूर बात करती हूँ, लेकिन मेरी एक परेशानी है, दिल गौरी को मिलने गया है। गौरी से? यानी कुकी से? दिल रुबा का बच्चा। रिलैक्स मंगरू, रिलैक्स। शट अप। रुबा जी क्या कर रहे हैं आप? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ तो देखने दो, देखने दो, आखिर हम दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं। अरे लेकिन इस जन्म में तो हम पड़ोसी हैं। भूल जाओ इस जन्म को और चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ हम दोनों पिछले जन्म में रहते थे। यानी छोटूमल मोटूमल के बंगले में? नहीं, मेरे कोली वड़ा वाले चौपड़े में। यानी पिछले जन्म तुम गरीब थे? तो किसके लिए गरीब हुआ मैं? किसके लिए? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फिर भी गोपी बेटा, चलो तुम्हारा रईस बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो चलो। नहीं, कम ऑन गोपी बेटा, छोटू मल जी मोटू मल जी के बंगले में नहीं चलोगे? चलो चलो चलो। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। तो क्या हुआ, मैं तो देखना चाहती हूँ, आफ्टर ऑल पिछले जन्म में वो मेरे पति देव से। चलो चलो जाइए ना। चलो मेरे सौतेले पुत्र, हैप्पी फैमिली रियूनियन टाइम। चलो चलो चलो, कम ऑन सनी बॉय, मुझे अलग मत करो। कम ऑन, मुझे भगवान के लिए अलग मत करो, मुझे अलग। सनी बॉय चलो। डैडी डैडी, पिताजी पिताजी, मैं आपको कितने अरसे के बाद देख रहा हूँ, कितने बुड्ढे हो गए हैं आप, मैं तो आपकी याद में रोता रहा। किससे मिलने आए हो भाई? अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ डैडी। डैडी? मगर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। डैडी याद कीजिए, आज से 30 साल पहले आपका एक बेटा था जिसका नाम था गोपी। गोपी? वो तो छोटूमल मोटूमल का लड़का था। मुझे आप छोटूमल मोटूमल नहीं है, वो तो बाहर गए। मैंने कहा था ना मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, कहा था ना मैंने। लेकिन आपकी तारीफ। ये छोटूमल मोटूमल जी के पिछले जन्म के कुपूत हैं। सुपूत? गोपी गोपी। अरे हाँ हाँ याद आया। लेकिन हम कैसे माने कि तुम गोपी हो, तुम्हारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना। है ना सबूत, गोपी का एक लड़की के साथ टांका भिड़ा हुआ था। टांका? लफड़ा था, लफड़ा। गौरी, गौरी। देखा, मान गई ना तुम, अब तो मान गई ना। लेकिन जो गौरी थी ना, उसका बाप था पहलवान बिरजू, एक नंबर का खड़ूस था वो, बुड्ढा कहीं का। उसने बहुत तंग किया गौरी को, गौरी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर गोपी आया, गोपी गौरी को लेकर भाग गया, दोनों भाग गए थे। भाग गए ना, लेकिन बिरजू बेचारा अभी तक अपनी बेटी की याद में रो रहा है, रो रहा है। क्या कहा? वो बुड्ढा खोसट आज भी जिंदा है। चलो एक तरह से अच्छा ही है, अब उस डेड पसली के कागजी पहलवान से मैं पिछले जन्म के बदले चुन चुन के लूंगा, चुन चुन के। खैर छोड़िए, आपको इससे क्या लेना देना। जेंटलमैन, आपकी तारीफ। मुझे लोग बिरजू पहलवान कहते हैं। आई नो, तुम मजाक कर रहे हो। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए श्रीमान जी। जी, आप मेरी बेटी को लेके भाग गए थे ना? वो तो पिछले जन्म की बात थी, मिट्टी डालिए, भूल जाइए। मिट्टी नहीं डालती पुलिस। पुलिस? हाँ। पुलिस का इससे क्या लेना देना, कमाल कर रहे हैं आप, ये तो हमारा घरेलू मामला है, अक्रॉस दी टेबल निपटा लेंगे। जो भी कहना पुलिस के सामने कहना। आइए इंस्पेक्टर जी, चले आइए। आ जाइए इंस्पेक्टर।
सिस्टर। इधर आ, इधर आ। जा, जा। दिलोबा जी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तो गोपी हूँ। गोपी? तुम गोपी हो? फिर तो डेफिनेटली यू आर अंडर अरेस्ट। कमाल कर रहे हैं आप, लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुमने पिछले जन्म में एक 16 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप किया था। मैंने किडनैप नहीं किया किसी को, वो बाबू आप मेरे साथ आई थी। अच्छा, फिर भी उस जन्म में उस लड़की की उम्र 16 साल की थी, इसलिए इस जन्म में तुम गुनहगार बनते हो पुलिस की नजरों में। लेकिन वो तो पिछले जन्म की बात थी, भूल जाए ना। उस लड़की का बाप जिंदा है और तुमने तुम्हारा गुनाह कबूल किया है। काम कीजिए ना, मेरे बाप सर छोटू माल मोटू माल को आने दीजिए। वो आ गए तुम्हारे पिताजी, छोटू माल मोटू माल। वो ये कौन है? ये छोटू माल मोटू माल। ये भिखारी, सब कुछ हार गए। और छोटू माल मोटू माल जी, ये आपका बेटा गोपी। गोपी मेरे बुढ़ापे के सहारे। अच्छा बेटे, मेरे गले लग जाते। डॉल डॉल, मुझे बचा लो डॉल। डॉल कौन? डॉल गोपी बेटा, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, है ना? नहीं नहीं, तुम मेरी डॉल हो, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। तुमने ये सब क्यों किया? ताकि मेरा नाम जगह जगह छपे। तुम्हारा नाम क्या है? दिलरुबा जगदेव सिंह खुराना। अब तुम्हारा नाम क्या है? माफी मांगो, शुरू करो इनसे माफी मांगो। पहलवान जी, I'm sorry. तो बॉस है, बॉस। शर्मा जी, भिखारी भैया, देखो भैया मुझे माफ कर दो। गोखले गोखले, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं अभी हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता।